नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल है रेडमी का, रेडमी 7A मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर है जो ये टच काम नहीं कर रहा है कि अचानक से इसका टच काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका टच है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और अगर हम इसको रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो भी यहाँ पर अगर ये पावर बटन भी दिखाता है तो ये है जो टच काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ टच है जो रिप्लेसमेंट करवाने का नहीं है। मैं आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपना टच ये जो है ये इसको काम करना शुरू कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर। तो आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, रेडमी का चाहे कोई मोबाइल हो, वैसे तो कोई भी सैमसंग हो, ओप्पो हो, वीवो हो, ऐसे कभी कभी मोबाइल हैंग हो जाता है तो आपको लगता है कि दोस्तों इसका टच जो है वो ख़राब हो चुका है और आपको दूसरा डलवाना पड़ेगा। हो सकता है आप कहीं किसी दुकान पर जाए और वहाँ पर आपको बोल दिया जाता है कि भाई इसका जो टच है प्रॉब्लम में आपको है जो पैसा बताया जाएगा कि भाई 500 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा इसका। कोई कोई तो बोल देगा कि इसका टच ही चला गया है जो पूरा चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको वो 1500 रुपये भी बोल सकता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों जिससे आप आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक मिनट के अंदर आप इस टच को जो इस प्रॉब्लम को है जो सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और मैं आपसे आशा करता हूं कि वीडियो आपको आपका अगर इस वीडियो में देखने के बाद में अगर आपका टच काम करना शुरू कर देता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी तरह की मैजिक ट्रिक्स अपने यूट्यूब चैनल पर लाता रहता हूँ। तो देख के शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं इस मोबाइल को रीस्टार्ट करने वाला हूँ, यानी कि मैं इसको स्विच ऑफ करके ऑन करने वाला हूँ और इसलिए अब कुछ लोग रीस्टार्ट को रीसेट समझ बैठते हैं और उनको लगता है कि उसका डाटा है जो पूरा डिलीट हो जाएगा ऐसा करने से। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर फ़ोन को रीसेट नहीं रीस्टार्ट करने वाला हूँ बिना टच को किए हुए। तो कोई भी कंपनी का मोबाइल हो अगर कोई टच काम नहीं करता है तो उसको बटन के द्वारा है जो रीस्टार्ट कर सकता है यानी कि स्विच ऑफ करके ऑन कर सकता हैं। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन दिए हुए हैं बटन के अंदर जिसे आपको समझना है और उसको मेथड को यूज़ करके आप किसी भी मोबाइल को है जो रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग कंपनियों के मोबाइल में या अलग अलग वर्जन के हिसाब से उनका तरीका अलग अलग हो सकता है। किसी मोबाइल में पावर ऑफ और वॉल्यूम बटन को दोनों को साथ दबाने से रीस्टार्ट होता है, लेकिन MI के इस मॉडल या बहुत सारे मॉडल में आपको ये पावर बटन जो है लगातार 10 सेकेंड से या जब तक वो खुद MI का लोगो नहीं आ जाता तब तक आपको उसको दबा के रखना है। दोस्तों आपको पावर बटन को कंटिन्यू 10 सेकंड से भी ज़्यादा उसको प्रेस करके रखना है। वो करने के बाद में जब बाद में रेडमी का लोगो आ जाएगा तब आप उसको छोड़ देना। तो ये ऐसा मैसेज करने से दोस्तों मोबाइल जो है रीस्टार्ट हो जाएगा यानी कि बंद होकर चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में आपका जो मोबाइल है वो 99% यहाँ पर काम करना शुरू कर देगा। कुछ कारणों की वजह से अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों का तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो टच है मोबाइल का वो ख़राब होगा। आपको उसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और जो आप है उसको एक बार किसी सर्विस सेंटर में जाके वो दिखा सकते हैं। वो अगर एक बार टच को खोल के वापस अगर रीफिटिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम बिना किसी सर्विस सेंटर के जाके हुए मोबाइल को जस्ट रीस्टार्ट किया है और यहाँ पे है जो टच काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों 99% मामलों में मुझे ये लगता है कि आपका जो मोबाइल का टच है जो ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से आप ये मेथड यूज़ करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो है जो आप लाइक कर दीजिए और है जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।